प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कैसे एक बड़ा वेल्थ जनरेट किया जाए। मोटा पैसा आपको नहीं चाहिए, आप लोन की मदद से, ईएमआई की मदद से वेल्थ बना सकते। प्रॉपर्टी जो होती है ना, तीन टाइप की होती है। एक होती है रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। हम समझेंगे कि कहां हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां सबसे ज्यादा रिटर्न निकाला जा सकता है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं प्रॉपर्टी में, और जब तक उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी, तब तक बहुत पैसा उनका जा चुका होता है और हाथ में कुछ होता नहीं। अरे यार गलती कर दी, यहां तो पैसा लगाना ही नहीं था, ये जगह तो खरीदनी नहीं थी, ये फ्लैट तो खरीदना ही नहीं था, पछता के फायदा क्या, गया नुकसान तो हो गया ना। तो मैं कहूंगा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेशन काम आएगा, क्योंकि अगर आपने वो गलती करी है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी ना। कि स्कूल कॉलेजेस में ये सब एजुकेशन नहीं दिया जाता जो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में जो प्रॉपर्टी से अमीर बने हुए लोग हैं, जिनके पास एक टाइम में कुछ भी नहीं था या थोड़े मड़ा नौकरी चाकरी का इनकम सोर्स था, आज के टाइम में प्रॉपर्टी से अगर अच्छा वेल्थ बना के बैठे हैं तो वो कैसे बना के बैठे हैं। मुनाफा बहुत हो जाएगा, तगड़ी कमाई का ऑप्शन बन जाएगा। और पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, सही इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कैसे एक बड़ा वेल्थ जनरेट किया जाए। आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। और जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए तो भैया बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत मोटा पैसा चाहिए होता है, तभी जाके हम प्रॉपर्टी में वेल्थ बना सकते हैं। ये गलतफहमी है सर, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं ना, ये चीज़ें जान करके आपको क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में जो प्रॉपर्टी से अमीर बने हुए लोग हैं, जिनके पास एक टाइम में कुछ भी नहीं था या थोड़े मड़ा नौकरी चाकरी का इनकम सोर्स था, आज के टाइम में प्रॉपर्टी से अगर अच्छा वेल्थ बना के बैठे हैं तो वो कैसे बना के बैठे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करके ही सीखते हैं, लेकिन इस गलती की कीमत बहुत भारी पड़ती है, लाखों में, शायद कभी कभी करोड़ों में। तो इतनी बड़ी गलती करने से आज बचाने का एजेंडा है मेरा आपको इस सेशन के जरिए। और सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सही इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, वो भी बताने का मेरा इरादा है आपको। 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं प्रॉपर्टी में, और जब तक उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी, तब तक बहुत पैसा उनका जा चुका होता है और हाथ में कुछ होता नहीं। अरे यार गलती कर दी, यहाँ तो पैसा लगाना ही नहीं था, ये जगह तो खरीदनी नहीं थी, ये फ्लैट तो खरीदना ही नहीं था, पछता के फायदा क्या, गया नुकसान तो हो गया ना, गलत तो कर लिया ना, काश हमने उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया होता, काश हमने वहां जमीन ले ली होती। अज्ञानता की वजह से ही ऐसे फिर काश निकल के आते हैं, है ना। देखो पहले तो ये समझो कि प्रॉपर्टी जो होती है ना, तीन टाइप की होती है। एक होती है रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। हम समझेंगे कि कहां हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, कहां सबसे ज्यादा रिटर्न निकाला जा सकता है। रियल प्रॉपर्टी होती है सर लैंड, जमीन, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जितना एप्रिसिएशन आप लैंड में ले सकते हो वो किसी भी दूसरी कैटेगरी में नहीं ले सकते, रेसिडेंशियल में ले सकते, कमर्शियल में ले सकते, जितना एप्रिसिएशन लैंड में ले सकते हो। ऑफ कोर्स इन तीनों कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं सर, लोकेशन मैटर करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जिस लैंड में पैसा लगाया होगा उससे ज्यादा एप्रिसिएशन आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हो गया, या हो सकता है उससे ज्यादा एप्रिसिएशन कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो सकता है, पॉसिबल है लोकेशन की वजह से। लोकेशन में उस लोकेशन में पता चले जिस लोकेशन में आपने फ्लैट ले रखा है उसके बगल में मोदी जी आकर के घर बनाने वाले हैं, तो फिर तो उस लोकेशन की कीमत तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन आम तौर पर 90% केसेस में लैंड में, जमीन में अगर आपने पैसा लगा दिया है सर, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है, मैंने पिछले सेशन में भी कह रखा है कि जमीन एक ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता। भगवान ने जितना बना के दे रखा है उतना ही फिक्स है, और जो भी चीज फिक्स है दुनिया में और डिमांड उसकी बढ़ती चली गई, सप्लाई लिमिटेड है, जमीन की सप्लाई तो लिमिटेड फिक्स, लेकिन पॉपुलेशन कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक धरती है जब तक दुनिया है पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी, यानी कि डिमांड इसकी बड़ी तेजी से बढ़ती ही रहेगी कब तक, अनंत तक बढ़ती ही रहेगी, लेकिन सप्लाई अनंत तक लिमिटेड ही रहेगा, लिमिटेड क्या, फिक्स ही रहेगा। तो इसकी कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। आज आपने अगर जंगल में भी जमीन ले रखा है ना सर, निश्चिंत रहो, हो सकता है कि अभी तुरंत ना बढ़े, बहुत सालों से हो सकता है आपका रुका हुआ है, कीमत नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ये तय है। लेकिन क्या चीज कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कह सकते हैं, नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है ऐसा। अच्छा दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में होता है फ्लैट जिसको आप कह लो, या फिर कोई बना बनाया मकान जमीन से जुड़ा आप लेते हो। देखो बना बनाया जो मकान होता है ना, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं भी रह लो भैया, फिर रहने में आदमी लग्जरी खोजता है, हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर बना बनाया मकान में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो सौदा ठीक नहीं है। रीजन ये है कि जब आप मकान किसी को बेचोगे ना बना बनाया मकान, तो हर आदमी जो लेता है मकान वो अपने हिसाब से उसको बनाना चाहता है, अपने हिसाब से कमरा, अपने हिसाब से ड्राइंग रूम, अपने हिसाब से हॉल, हम सब अपने हिसाब से चाहता है। तो हो सकता है वो तुड़वा करके बनाए, तो उस केस में आपको कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छा दूसरी रही फ्लैट की, तो फ्लैट में दिक्कत ये है कि भैया इसकी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। अभी हमने बात करा ना, सप्लाई फिक्स थी जमीन की और डिमांड अनलिमिटेड बढ़ती रहेगी, तो इसीलिए जमीन की कीमत बढ़ेगी। फ्लैट के केस में जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है,
और सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी तेजी से मुझे लग रहा है पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, उससे ज्यादा तेजी से फ्लैट के फ्लैट का सप्लाई बढ़ रहा है। आजकल छोटे छोटे शहरों में भी फ्लैट का कल्चर शुरू हो चुका है, तो इसका अप्रिशिएशन कम है सर। अगेन फिर से यहाँ कमेंट बॉक्स में मत लिखना सर हमने 70 लाख का लिया था, 80 लाख हो गया, आप कैसे कह रहे हो कम है। अरे भैया लोकेशन की बात मैं कह रहा हूँ, लोकेशन अगर कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भारी भरकम काम होने वाला है, पता चला उस लोकेशन में मेट्रो आने वाला है, उस लोकेशन पर कोई स्टेडियम बनने वाला है, कोई एयरपोर्ट बनने वाला है, आपके प्रधानमंत्री वहीं आके रहने वाले हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उस लोकेशन की बात अलग है। लेकिन 90% जगहों पर ऐसा नहीं होता, 90% जगह तो अपनी स्पीड से ही बढ़ेंगे। तो फ्लैट का अप्रिशिएशन मैं कहता हूँ कि सबसे कम है, सबसे कम, सबसे धीरे बढ़ता है। तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है या तो ऑफिस हो गया या दुकान हो गया। यहां पे मेरी प्रेफरेंस दुकान की है, ऑफिस की कम है। ऑफिस या दुकान, हाँ लेकिन दोनों अप्रिशिएशन अच्छी है, फ्लैट से तो दोनों ही आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन कंपेरेटिवली ऑफिस और दुकान में अगर मैं कहूं तो दुकान ज्यादा अप्रिशिएशन दे सकता है कंपेरेटिवली ऑफिस। कारण इसका यह है कि एक चीज समझिए कि ऑफिस जैसे है तो आज मान लो आपने किसी मार्केट एरिया में ऑफिस ले रखा है, उस मार्केट एरिया से 5 किलोमीटर दूर जाकर के आपको हो सकता है कि आधे रेट में ऑफिस मिल जाए, तो वहां पे जाकर के भी आप अपना ऑफिस में काम कर सकते हो आधे रेट में लेकर के, वहां भी आप एम्प्लॉय बुला सकते हो। यानी कि आपके धंधे पर, आपका जो मेन बिजनेस है ऑफिस में काम करके, उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर 5 किलोमीटर अंदर जाकर के भी आप ऑफिस लेते हो। और 5 किलोमीटर अंदर गए मार्केट से तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दुकान के केस में फर्क पड़ जाएगा धंधे पर। मार्केट में अगर किसी हलवाई की दुकान है तो अगर वो 1 लाख रुपए महीने की सेल कर पा रहा है, एग्जांपल ले लिया, ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, 1 लाख रुपए महीने की अगर सेल कर पा रहा है मार्केट में किसी हलवाई की दुकान है सर, 5 किलोमीटर अगर वो अंदर चला गया तो हो सकता है उसकी सेल आधी हो जाए, 50,000 की सेल हो जाए, क्योंकि अंदर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो दुकान इसलिए अगर सही लोकेशन पर है तो उसकी उसका एप्रिशिएशन तेजी से है। डिमांड आदमी की दुकान अगर सही जगह पर है, क्योंकि दुकान में आप लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, दुकान अगर मार्केट में चाहिए तो भैया मार्केट में चाहिए, 2 किलोमीटर पीछे नहीं सरक सकते, सरक गए 2 किलोमीटर तो धंधा आधा हो जाएगा। लेकिन ऑफिस के केस में 2 किलोमीटर पीछे सरक गए तो कोई दिक्कत नहीं, धंधा नहीं आधा होने वाला, तो इसलिए ऑफिस इधर उधर थोड़ा पीछे भी हो तो चलेगा, इसलिए ऑफिस की अप्रिशिएशन कंपेरेटिवली दुकान के कम है। अच्छा फ्लैट में तो आदमी कहता है कि फिर 20 किलोमीटर दूर भी लेंगे तो क्या दिक्कत है, फैमिली को ही तो रखना है, है ना। तो इसीलिए सारा खेल डिमांड और उस लोकेशन का है। अगर उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता तो उस लोकेशन पे जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दुकान। उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज आप ऑफिस के केस में कर सकते हो, यानी कि उसका अप्रिशिएशन उससे कम है। अच्छा फ्लैट के केस में उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज तो करता ही आदमी 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर रहने चला जाता है क्योंकि सस्ते में मिलेगा फ्लैट, तो इसका उसका अप्रिशिएशन और कम होगा। अच्छा अब दूसरी चीज, एक चीज समझो, हवा में इन्वेस्टमेंट। हवा में इन्वेस्टमेंट मैं प्रेफर नहीं करता। क्या होता है हवा में इन्वेस्टमेंट, 20 फ्लोर पे ऑफिस ले लिया, 25 फ्लोर पे ऑफिस ले लिया, फ्लैट भी जैसे हवा में ही होता है आज के टाइम पे, तो 15 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, 30 फ्लोर, मुंबई जैसे जगह में जाओ तो 100 फ्लोर, लग्जरी एंजॉय करना है, खुद के लिए रहने के लिए लेना है, तब तो 100 फ्लोर पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रिशिएशन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो 100 फ्लोर पे छोड़ो सर, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे जो चीज़ है उस पे लगाओ, दुकान में या फिर ऑफिस भी जमीन पे है तो वो बेटर है, 100 फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लोकेशन मैटर्स। मुंबई जैसी जगह में अगर कोई एकदम समंदर वाला एरिया है, एकदम 100वें फ्लोर पे चढ़ते ही समंदर दिख रहा है, तो उसका एप्रिशिएशन तेजी से होगा। लेकिन कितने जगहों पे समंदर है भैया, 90% केसेस में नहीं है, तो मैं हम उनकी बात कर रहे हैं ना। अब मुद्दे पर आते हैं कि वेल्थ कैसे बनाना है, कंसर्न यही है ना, वेल्थ बनाना है हमको प्रॉपर्टी से। तो पहली चीज हमने ये समझ ली कि हमारे को कौन सी कैटेगरी में प्रॉपर्टी में जाना है। लैंड में चले जाओ तो अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन वेल्थ बनाने में समय लगेगा, उससे मैं चूज करूंगा दुकान, ऑफिस में नहीं, दुकान। दुकान में वेल्थ जल्दी बनाया जा सकता है और मोटा पैसा आपको नहीं चाहिए, आप लोन की मदद से, ईएमआई की मदद से वेल्थ बना सकते हो। लोन तो मिल ही जाएगा, हर किसी के पास 50 लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं होता तो, और जमीन पर आपको लोन भी नहीं मिलता। जमीन खरीद लिया तो उस पर बनाने के लिए आपको लोन मिल जाता है, जमीन खरीदने के लिए नहीं मिलता, तो जमीन खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो लेकिन दुकान एक ऐसी चीज है जिस पर आपको लोन मिल जाता है। तो जितने नए नवेले लोग होम लोन के चक्कर में फंसते हैं सर, मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ। अच्छा मान लेता हूं 50 लाख रुपए का फ्लैट लेने का आपका प्लान है, और 50 लाख का फ्लैट अगर आप लेते हो तो 40 लाख का लोन तो कराओगे, 10 लाख आप डाउन पेमेंट करोगे, रजिस्ट्री वेस्ट्री का तो अलग से ही दोगे, उसका तो लोन होगा नहीं। तो 40 लाख का अगर आप लोन लेते हो और 8-9% पे आपको लोन मिल जाता है, 8.5-9% के आसपास, तो तकरीबन ईएमआई आएगी सर 35,000 रुपए 20 साल के लिए। तो 35,000 रुपए ईएमआई आप देने को तैयार हो ना, मैं कहूंगा थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को कुछ 5 साल के लिए कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज करो मतलब थोड़ा सा कम ही स्टैंडर्ड में रहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, लेकिन फायदा बहुत हो जाएगा, मुनाफा बहुत हो जाएगा, तगड़ी कमाई का ऑप्शन बन जाएगा।
और पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, 40 लाख का लोन जो ले रहे हो, 35,000 रुपए ईएमआई आएगा सर, उसको थोड़ा सा रोक करके आप 40 लाख का लोन लो, 35,000 की ईएमआई पर आओ, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं, फ्लैट में नहीं, दुकान में लगाओ सर। और आप 10,000 रुपए रेंट देकर के किसी नॉर्मल से एरिया में रह लो कुछ समय के लिए, तो 35,000 रुपए अगर दुकान में आपका ईएमआई जा रहा है दुकान के लिए, और 10,000 रुपए उधर आप रेंट पर देख रहे हो, तकरीबन 45,000 आपका खर्चा हो रहा है। 35,000 आप खर्चा करने के मूड में थे ही फ्लैट लेकर के, मैंने 10,000 और बढ़ा करके 45,000 आपका खर्चा कर रहा है, उतना आप मैनेज कर सकते हो मुझे लगता है, नहीं कर सकते तो करो, ठीक है। तो 35,000 रुपए दुकान में ईएमआई देकर के क्या फायदा है, जरा ध्यान देखो, ध्यान देना सर। 5 साल तक ईएमआई लेगा आपका दुकान से, हालांकि 20 साल का लोन है, लेकिन ईएमआई दुकान वाला आपसे लेगा सिर्फ 5 साल तक। 5 साल के बाद तो ये कमा के देने लग जाएगा, और उसके अगले 5 साल बाद तो आपको ये एक और दुकान की ईएमआई देने लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा अभी जो समझा रहा हूं आपको, स्क्रीन दिख रही है ना मुझे, चैट पे लिखिए यस। देखो एक कॉलम मैंने लिखा है, ये जो दुकान आप ले रहे हो सर, उस 35,000 रुपए रेंट यानी कि 50 लाख का जो दुकान है, उस 50 लाख के दुकान को जब आप रेंट पे लगाओगे ना, तो आपको 25,000 रेंट मिल जाता है। अगेन ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है, मैंने एक और वीडियो करी थी प्रॉपर्टी रेंट और उस पे, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था, 60 लाख की प्रॉपर्टी की मैंने बात करी थी, उसमें 60 लाख की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था 40,000 पर रेंट आ जाता है, तो कुछ लोगों का कंसर्न था कि 60 लाख की प्रॉपर्टी पे 40,000 का रेंट कहाँ आता है। मैं कहता हूँ सर नोएडा एक्सटेंशन में कभी विजिट कर लो, नोएडा एक्सटेंशन में आपको कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है, 60 लाख का दुकान सर आपको 50,000 भी रेंट मिल जाएगा अगर अच्छे से आपने डेकोरेट वगैरह कर रखा है तो, नहीं तो 40,000 तो मिल ही जाता है, कई सारे ऑप्शन है सर। लोकेशन का सारा खेल है, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसा एरिया है, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत तेजी से डेवलपिंग एरिया है, या भारत में किसी भी एरिया में चले जाओ आप, मुंबई दिल्ली या किसी भी जगह पे जो बहुत तेजी से डेवलपिंग एरिया है ना सर, वहां पर आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 50 लाख का अगर दुकान आप डेवलपिंग एरिया में ले रहे हो, तो 25,000 रुपए मंथली रेंट आने लग जाता है, ज्यादा भी आ सकता है किसी और किसी अच्छी प्रॉपर्टी में अगर कर दिया तो, 25,000 मैं मान रहा हूं। अच्छा 25,000 रुपए यहां देखो मैंने रेंट लिखा है और ईयरली इंक्रीमेंट सर, पहले साल आपको पूरे हर महीने 25,000 रुपए रेंट आ रहा है, ठीक है, और आपकी ईएमआई जा रही है 35,000 रुपए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा फालतू जा रहा है आपका, 10,000 रुपए फालतू उधर जा रहा है आपका, 10,000 रुपए रेंट में जा रहा है, 20,000 रुपए फालतू जा रहा है आपका सर। सेकंड ईयर इस पे 10% इंक्रीमेंट होगा, 10% इंक्रीमेंट होकर 27,500 आपको मिलने लग जाएगा अगले साल से हर महीने सर। तीसरे साल यह 30,250 हो जाएगा, चौथे साल यह 33,275 हो जाएगा, और पांचवें साल 36,275 मिलने लग जाएगा आपको हर महीने इसका रेंट सर। ध्यान देना, पांचवें साल 36,275 यानी कि आप ईएमआई कितना दे रहे थे 35,000, और आपको रेंटल कितना लग गया 36,000 सर, आप क्रॉस कर गए ना। अब यानी कि पांचवें साल ऑनवर्ड्स आपको अपनी जेब से ईएमआई नहीं देने का। अच्छा 5 साल में जहां नौकरी चाकरी कर रहे हो, धंधा पानी जो भी आपका काम है, उधर भी थोड़ा बढ़ेगा, उधर भी इनकम उनकम होगी, वो सब साइड रखो, वो सब अपना एंजॉयमेंट जो करना है करो, एसआईपी जो करना है, जहां भी इन्वेस्ट करना है, सोना चांदी खरीदना है, उस इनकम से खरीदो, इस इनकम को थोड़ा अलग रखो, इस इनकम को पूरा कैसे मैनेज करना है समझाता हूं। यानी कि पांचवें साल से ये प्रॉपर्टी अपना खर्चा खुद ही निकाल रही है, आपसे नहीं मांग रही है, ठीक है। अब छठे साल से ये प्रॉपर्टी अपना खर्चा भी निकाल रही है और आपको देना भी शुरू कर दे रही है, हालांकि पांचवें साल से देना शुरू कर दी हर महीने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन छठे साल से थोड़ा ज्यादा आपको देने लग गई सर। छठे साल ये 10% इंक्रीमेंट होकर 39,900 आपको रेंट मिलने लग जाता है, फिर सातवें साल 43,000, आठवें साल 48,000, नौवें साल 53,000, दसवें साल 58,000 रुपए आपको रेंट मिलने लग गया है सर। यानी कि एक चीज समझो सर, ध्यान से समझिएगा आप सर, छठे साल जब आपको 39,000 रुपए रेंट मिल रहा है, यानी कि 4,000 रुपए मंथली आपको फालतू मिल रहा है ना, फालतू कहने का मतलब 25,000 आपका ईएमआई उधर जा रहा था, तो 25,000 जो एडजस्ट हो रहा है, तो 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना सर, इसको आईआरसी में खर्च नहीं करने का, कपड़ा तक खरीदने लगा तो मजा आ गया, बढ़िया जगह रहने लग जाएंगे, नहीं, रहने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करो, समाज को सोचने दो ये गरीब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि जब बुरा समय आएगा ना, जब खराब समय आएगा ना, कोई एक रोटी देने को नहीं आएगा आपको, तो समाज आपके सामने कुछ भी सोचे, आपके बारे में कुछ भी सोचे, रत्ती भर आपको फर्क नहीं पड़ता सर, और पढ़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अंत समय में बुरे समय में आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो आपका परिवार खड़ा है, आपको उस परिवार के बेहतर भविष्य के लिए इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई आपको गरीब सोच ले तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, सोच ले, ठीक है। तो 4,000 रुपए फालतू आ रहा है, 4,000 × 12 हर महीने आ रहा है ना 4,000 फालतू सर, इसको करो एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड अगर नहीं समझ में आता तो बेधड़क इंडेक्स फंड में कर दो, वॉरेन बफे कहते हैं म्यूचुअल फंड अगर आपको नहीं समझ में आता, इन्वेस्टिंग में नए हो तो इंडेक्स फंड, किसी भी इंडेक्स फंड में चूज कर लो यार, कोई अच्छा सा एचडीएफसी का चूज कर लो, एलआईसी का चूज कर लो, यूटीआई का चूज कर लो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी मर्जी से किसी भी इंडेक्स फंड में कर दो, क्योंकि इंडेक्स फंड की अच्छी बात यह है कि भारत के टॉप के 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो
रिस्क जितना है सारे इंडेक्स फंड में लगभग बराबर ही होता है। हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी कि 10 साल का आपको डेटा दिखाया था, सारे इंडेक्स फंड लगभग आपको 13% से ऊपर का ही रिटर्न दे रहे थे 10 साल में। तो किसी भी इंडेक्स फंड में चले जाओ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन से इंडेक्स फंड में जाओ, अरे किसी भी चले जाओ भैया, इंडेक्स फंड का तो फिक्स है, वो आपके 50 कंपनियों में डालेंगे, फिर कहे इतना टेंशन ले रहे हो। हाँ म्यूचुअल फंड में समझ में आता है किसमें डाले किसमें ना डाले, वो थोड़ा सा एनालिसिस वाला काम है, समझने वाला काम है, लेकिन इंडेक्स में तो किसी में भी चले जाओ, ठीक है। तो ये जो 4000 रुपये फालतू आपका आ रहा है ना हर महीने, सर इसको करो SIP इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में, आपकी मर्जी, ठीक है। अगला साल यानी कि 7वां साल सर आपको 8000 रुपये फालतू आ रहा है, और 8000 रुपये अच्छा स्टेप अप SIP बोलते हैं उसको, हर साल अपना पहले साल अपने 4000 रुपये महीना दिया SIP में, अगले साल 8000 रुपये महीना कर दो, सर कंपाउंडिंग का भयानक रिजल्ट मिलेगा आपको, 8000 रुपये कर दो, उसके अगले साल 8वें साल तो 13000 रुपये आप कर दो SIP में, हर महीने आपका 13000 जाने लग जाए। सर 9वें साल 18000 फालतू होने लग गया, तो 9वें साल 18000 हर महीने SIP में डालने लग, 10वें साल 23000 रुपये फालतू आपका होने लग गया, सर 23000 रुपये हर महीने SIP में करते चले जाओ। आप अगर ये कैलकुलेशन निकालोगे ना, ये 5 साल का, 6ठे साल से या 10वें साल तक, सर ये कैलकुलेशन तकरीबन SIP आपको दे देगा लगभग 9-10 लाख रुपये के आसपास, 13% के आसपास अगर आप देखो, 9-10 लाख रुपये आपको दे देगा ये। तो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यहीं देखो आप, तो साल का आपको 48000 रुपये यहाँ पे 6ठे साल में मिला पूरे साल का, ये विदाउट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, SIP में डालोगे तो कम इंटरेस्ट इस पर ऐड होगा। आपको 7वें साल पूरे साल मिला करके 96000 मिला, 8वें साल पूरे साल मिला के 156000 मिला, 9वें साल आपको पूरे साल मिला के 216000 मिला, 10वें साल 276000 मिला। ये फालतू की बात कर रहा हूँ, वो 35000 रुपये हटा करके जो आपका EMI में कट रहा है उसके अलग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सबको मिलाओगे ना सर, इंटरेस्ट लगा करके कंपाउंडिंग वाला आपको लगा के तकरीबन 9-10 लाख रुपये बन जाएगा। SIP देखो समय का खेल है, कंपाउंडिंग समय का खेल है, इसी को आप लंबे समय तक कर दो, 20 साल तक छोड़ दो, फिर तो इतना बड़ा फिगर निकल के आएगा कि आप कह नहीं सकते, लेकिन हमारा वो एजेंडा नहीं है, थोड़ा अलग एजेंडा हम कर रहे हैं। 5 साल में अगर आप ये सारा पैसा निकालते हो तो लगभग आपको 9-10 लाख रुपये मिल जाता है। इस 9-10 लाख रुपये का क्या करना है ध्यान से समझिए सर, इस 9-10 लाख रुपये को ना एक और 50 लाख का दुकान का डाउन पेमेंट कर दो, किसी और लोकेशन में देखना जो उस वक्त डेवलपिंग एरिया हो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ इधर तो चले जाओ, उस वक्त जो डेवलपिंग एरिया हो अच्छी लोकेशन देख करके 50 लाख का एक और दुकान ले लो, और 50 लाख का दुकान लो फिर लोन पे लो, फिर 40 लाख का लोन मिलेगा, मतलब 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना है, तो 10 लाख का डाउन पेमेंट आपको यहां से जुगाड़ हो गया। अब ध्यान से समझो सर, ये 10 लाख का डाउन पेमेंट के लिए आपको खर्चा कहां से मिला, उसी दुकान से। अच्छा ये जो 10 लाख का डाउन पेमेंट करने के बाद जो इसकी EMI जाएगी 35000 रुपए, ये कौन देगा सर, यही दुकान देगा, क्योंकि अब 11वें साल से देखो आपको 64000 रुपये आपका रेंट हो चुका है 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से, यानी कि 30000 रुपये अब मंथली आपको फालतू बचने लग गया है, तो 5000 और मिला करके 6ठे साल का उसी एक साल का कॉम्प्रोमाइज है, अगले साल तो ये 40000 बचने लग जाएगा आपको देखो। तो आपका डाउन पेमेंट का भी खर्चा उस पहले दुकान ने निकाला, अगले दुकान का, फिर से समराइज करता हूँ, कहीं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, जल्दीबाजी में तो नहीं समझा रहा मैं, जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स से, समझा पा रहा हूँ ना मैं सर। 5 साल तक उस दुकान की EMI आपने अपनी जेब से भरी, ठीक है, 5 साल बाद आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना उस दुकान के लिए, 5 साल बाद उस दुकान का EMI का खर्चा वो दुकान खुद निकाल रहा है, ठीक है, और 10वें साल बाद उस वही दुकान आपको एक नई दुकान का डाउन पेमेंट भी दिया, एक नई दुकान का EMI भी देने लग गया, आपकी जेब से नहीं जा रहा है ना, मजेदार बात। यानी कि अब अभी से 11वें साल, अगर आप 25 साल के भी हो तो 35वें साल में, अगर आप अभी 25 साल के हो तो आपकी एज के 35वें साल में सर आप दो दुकान के मालिक बन चुके होंगे, दो दुकान के, और मजे की बात यह है कि उन दोनों दुकान की EMI आपकी जेब से नहीं जा रही, आपकी सैलरी या आपका जो भी बिजनेस है उधर से नहीं जा रहा, ये सेल्फ फंडेड है, अपना ही निकाल रहा है, बच्चे जवान हो चुके हैं, अपना खर्चा खुद निकाल रहा है, दुकान अब जवान हो चुका है, कितना मजेदार बात है। अब देखो हम पहले वाले दुकान का हमने कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है सर, 12वें साल आपको 40000 रुपये फालतू दे रहा है हर महीने, 13वें साल 47000 रुपये फालतू दे रहा है हर महीने, 14वें साल आपको 50000 फालतू दे रहा है हर महीने, और 15वें साल आपको 65000 फालतू दे रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ कई सारे फिगर्स मैंने राउंड फिगर मिली हैं, तो जब आप कैलकुलेटर में करोगे ना तो थोड़ा आपको इधर उधर फर्क मिलेगा, या हो सकता है कुछ गलती भी मेरे से भी हो सकती है, सबसे होती है, तो वो आप उतना समझना, लेकिन ये लमसम फिगर यही पहुंचेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 15वें साल आपको सर 65000 रुपये फालतू दे रहा है, 65000 रुपये फालतू, और 15वें साल उसी दुकान का रेंट सर 94000 रुपये हो चुका है। अच्छा एक बात ध्यान से समझना सर, हमने हर साल 10% यहाँ पे बढ़ाया ना, यहाँ पे हो सकता है कि आपके लोकेशन पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो ये 10% नहीं ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल जाए, या हो सकता है उस लोकेशन पे कुछ गड़बड़ी हो गई, या बगल में कोई ऐसा लोकेशन हो गया वहाँ ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है, तो ये एप्रिसिएशन ऊपर नीचे भी हो सकता है, उस चीज़ को भी आप कंसिडर करें, ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 होना ही है, लेकिन नॉर्मल केस ठीक ठाक केस में 10% तो होता है,
ठीक, 94,000 आपको रेंट दे रहा है, क्या ये फ्लैट के केस में कभी ऐसा होता? सर फ्लैट की तो एप्रिसिएशन कई बार तो 5 साल तक होता ही नहीं है, फिर लोकेशन पे बात कर रहा हूं मैं, लोकेशन अच्छी हुई तो जल्दी हो जाता है, नॉर्मल केसेस में 5-5 साल तक होता ही नहीं है, और अगले 5-7 साल 10 साल तक तो जितना एप्रिसिएशन हो गया उसके बाद वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा फैसिलिटी का फ्लैट बिल्डर 5 किलोमीटर आगे बढ़ के 10 किलोमीटर आगे बढ़ करके वहां डेवलप कर रहा होता है, तो आदमी की प्रेफरेंस उस नए वाले एरिया में होती है, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़िया फ्लैट मिल रहा है, और जितनी एप्रिशिएटेड वैल्यू वो ओनर उस फ्लैट का मांग रहा होता है पुराने वाले का, उतनी ही वैल्यू में या उससे कम वैल्यू में बिल्डर आपको उसको नया फ्लैट दे रहा होता है, ज्यादा अमेनिटीज के साथ, ज्यादा फैसिलिटीज के साथ, तो नया आदमी वहां जाना प्रेफर करता है, तो एप्रिसिएशन खतरे में फ्लैट का। लेकिन दुकान के साथ तो ऐसा नहीं है, दुकान की तो बढ़नी बढ़नी है, मैंने जैसे बताया दुकान पे कॉम्प्रोमाइज करने, क्योंकि दुकान में खेल लोकेशन क्राउड का है, दुकान आदमी 5 किलोमीटर अंदर जाके नहीं खरीद सकता, क्योंकि 5 किलोमीटर अंदर गया तो उसकी सेल घट जाएगी, लेकिन फ्लैट तो 5 किलोमीटर अंदर जाके ले सकता है, फ्लैट तो 50 किलोमीटर अंदर पीछे जाकर के ले सकता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये याद है ना फंडा शुरुआत में जो बताया, तो इसीलिए दुकान की एप्रिसिएशन होती ही रहती है। अच्छा ऐसा नहीं है कि आजीवन होता ही रहेगा, एक टाइम पे तो इसका भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां से अब एप्रिसिएशन बंद हो जाएगा, उससे एप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि नए नए दूसरे एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां एप्रिशिएट होगा, लेकिन कितने समय तक एप्रिशिएट होगा? सर जितने समय में फ्लैट का एप्रिसिएशन रुक जाता है उससे ज्यादा समय तक ऑफिस का एप्रिसिएशन होता रहता है, और उससे भी ज्यादा समय तक दुकान का एप्रिसिएशन होता रहता है, सबसे लंबे समय तक एप्रिसिएशन आपको दुकान ही देगा। हाँ अगर लैंड की बात करो तो लैंड की बात तो करो तो दुनिया जब तक है, आपके मरने के बाद भी दुनिया जब तक है वो तब तक ही अप्रिशिएट होता रहेगा, ठीक है, तो लैंड की तो बात ही अलग है, जमीन की तो बात ही अलग है, उसको तो रेस से बाहर ही रखो, तो हमारे रेस में फ्लैट है, ऑफिस है और दुकान है, तो दुकान विनर है, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। यहां पे देखो सर, आपको 15वें साल में 7,80,000 एनुअली कमा के दे रहा है, 14वें साल में 6 लाख, 13वें साल में 5,64,000 और 12वें साल में 4,80,000, 11वें साल में 3,60,000। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं। अभी से 10 साल बाद आपका पहला वाला दुकान इतना लायक हो चुका है कि आपके नए दुकान की ईएमआई और डाउन पेमेंट दोनों निकाल के दे रहा है। सर उसके अगले 5 साल बाद, यानी कि अभी अगर आप 25 के हो तो आपके 35 होते होते आपके दुकान ने ईएमआई भी देना शुरू कर दिया और डाउन पेमेंट देना शुरू कर दिया। उसके 5 साल बाद यानी कि आप जब 40 के हो चुके होंगे, तो 40 के बाद सर आपका जो नया दूसरा दुकान है ना, वो दूसरा दुकान भी इस लायक हो गया कि आपको तीसरे दुकान की ईएमआई, रेंटल और डाउन पेमेंट भी निकालने लायक हो जाए अगर आप पैसे का सही मैनेजमेंट करते हो तो। लग्जरी में रहने का इतना ही चुल्ल है, तो पहले थोड़ा पैसा बना लो, उसके बाद अपना ही चुल्ल पूरा करना, लेकिन जब तक पैसा नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी खराब मत करो, ठीक है, क्योंकि जिसको दिखाने के लिए आप ये खर्चे करते हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो, ये सब आप ही के मन का खेल है कि हम अमीर दिखेंगे तो उसको खुशी होगी, उसको अच्छा लगेगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भूखे हो या आप खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो या नमक रोटी खा रहे हो, सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझो, क्योंकि दुनिया इसी चीज में बर्बाद है, दूसरों को दिखाने में ही। पैसा 500 रुपए का जूता पहनने के लायक बैंक में पड़ा है, लेकिन खरीदेंगे 5,000 का, क्रेडिट कार्ड है ना, ईएमआई लगा करके ले लेंगे, पर्सनल लोन लेकर के घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड, क्यों? क्योंकि ऑफिस वालों को दिखाना है, ऑफिस वाले नहीं तो ताना मारेंगे, अरे तुम कहीं घूमने जाते ही नहीं हो, गरीब हो क्या? और हमको बताना है कि हम गरीब नहीं है, तो लोन लेकर के हम स्विट्जरलैंड तो जाएंगे परिवार के साथ, इंस्टाग्राम से फोटो डालेंगे, और इसी चक्कर में तुम जिंदगी भर गरीब रहते हो। सर रिटायरमेंट होते होते ना आपके पास इतना अच्छा प्रॉपर्टी से वेल्थ बन चुका होगा कि जब रिटायर हो गए ना तो पैसे का आपको सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। आप रेंटल इनकम सर बहुत बहुत तगड़ा एसेट है, रेंटल इनकम एक ऐसा इनकम है जिसके लिए आपको हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता, और ये रेंटल इनकम जब कल को मर गए तो परिवार के लिए जब छोड़ के जाओगे तो परिवार वाले दिन में 4 बार अगरबत्ती जलाएंगे आपके फोटो पर, बहुत बढ़िया काम करके गए बाबूजी, और उसके फिर पोते आएंगे दादाजी की वजह से हमारा ये 5-6 दुकान चल रहा है, यहाँ से रेंटल इनकम आता है, रेंटल इनकम का कोई जोड़ ही नहीं है सर, टोटल पैसिव, इससे तगड़ा पैसिव इनकम कुछ हो नहीं सकता, और रेंटल इनकम का जुगाड़ जिसने कर लिया जीते जी अपने शरीर को सलामत करते हुए, वो फिर साला मायन है फिर वेल्थ का, और वेल्थ के जितने खिलाड़ी आपको दिखते हैं, प्रॉपर्टी के जितने आपको खिलाड़ी दिखते हैं सर, इसी तरीके से होता है, समय लगता है, पेशेंस होता है। कई लोग के कमेंट आते हैं ना सेशन में, सर 20 साल कौन रुकेगा, 15 साल कौन, अरे पेशेंस का गेम है सर, धैर्य का गेम है, राम ने भी 14 साल का धैर्य रखा था तब जाके भगवान कहलाए। महानता का एक सबसे बड़ा सिम्टम है सर, जो आदमी महान बना है ना उसके पास धैर्य कूट कूट के बना है, और तुम्हारे पास अगर धैर्य नहीं है तो महान तो छोड़ो, तुम किसी लायक नहीं हो दोस्त, फिर निकल लो यहां से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, धैर्य बहुत जरूरी है सर।
और इस प्लानिंग से पैसे की प्लानिंग किया करो सर, लोग पैसे की प्लानिंग नहीं कर सकते, देखा जाएगा जब टाइम आएगा जो होगा। ऐसे आदमी को ना फिर दुनिया देखती है, या दुनिया देखती है अरे कैसा आदमी है, कुछ करता है निकम्मा नकारा। प्लानिंग कीजिए सर पैसे की, पैसा प्लानिंग मांगता है। पैसे की अगर प्लानिंग करोगे ना पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसे की प्लानिंग नहीं करोगे ना सर पैसा उसके पास चला जाएगा जो प्लानिंग कर रहा है। तो ये पैसा उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके पास प्लानिंग है, जिसने उस पैसे के लिए प्लान बना रखा है। और जिसने प्लान नहीं बना रखा, यहाँ पे कुछ लोग डायलॉग देंगे सर कल का क्या भरोसा, किसने देखा है कल मर गए तो, अरे बच गए तो, जिंदा बच गए तो फिर पछताओगे काश हमने भी कर लिया होता। ये फालतू का डायलॉग बाजी के चक्कर में आधे लोग बर्बाद है। ठीक है, सेशन में मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा सर मजा आ गया सेशन, मजा आ गया।